जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा दोस्तों यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स की टीम के बीच में। डिटेल में इस मैच को कवर करूंगा, पूरे स्टैट्स आपको वीडियो में मिलेंगे, एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से कवर करूंगा। और कल का जो वुमेन का मैच था या फिर भैया जो मैच था श्रीलंका वर्सेज वेस्ट इंडीज का सेकंड टी20, जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी सेम वही चीज आपको मैच में रिपीट होती हुई दिखी। और हमारे जो विनिंग स्क्रीनशॉट है वो आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम पर भी देख सकते हो, ठीक है? आपको सारे विनिंग प्रूफ मिल जाएंगे। और जो चीज आपको बताऊंगा वीडियो में एक एक चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात हो, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की बात हो, वेन्यू के स्टैट्स आपको बताऊंगा, प्लेयर के हेड टू हेड स्टैट्स किस प्रकार के, भाई वेन्यू के स्टैट्स उनके किस प्रकार के हैं, एक एक चीज डिटेल में कवर कर दूंगा। बस वीडियो पूरा देखेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये जो मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेज यहां पे साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में, जो कि पहला सेमीफाइनल मैच रहेगा वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का, ठीक है? क्या क्या चीजें देखेंगे आपको बता दिया भाई, हेड टू हेड स्टैट्स हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, प्लेयर के वेन्यू के स्टैट्स किस प्रकार के, उनकी रिसेंट फॉर्म किस प्रकार की है, तो सारी चीजें कवर करके वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो भाई, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर टॉप में एक पिंड कमेंट आपको मिल जाएगा, वहां पे लिंक है, सिंपली क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ने का बेनिफिट आपको यह मिलेगा, टॉस होने के बाद में देखो कोई भी अपडेट्स होंगे, ठीक है? फाइनल टीम में लास्ट मोमेंट पे हम लोग कोई भी चेंज करते हैं या फिर लास्ट मोमेंट पे ट्रम्प कार्ड ऑप्शंस में या फिर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको मैं सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा टॉस होने के बाद। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना दोस्तों, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और ये वाला चैनल है देखो, किसी भी फेक चैनल को आपको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो कि मेरे नाम से फेक चैनल बना के बैठे, तो भाई फेक चैनल से बचना, इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिलेगा सिर्फ उसी से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? सारी चीजें सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेगी टॉस के बाद। आगे बढ़ते भाई मैच की शुरुआत करते हैं, तो ध्यान से चीजें देखना, सारी चीजें कवर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वेन्यू की, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर ये मैच खेला जाएगा। इस वेन्यू की बात करूं तो टोटल अब तक देखो 15 मैच खेले जा चुके हैं इस वेन्यू पे, जिसमें फर्स्ट बैटिंग ने 6 तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहां पे 9 मैच विन करे, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड बैटिंग वाली जो टीम है केवल 3 ज्यादा मैच विन कर पाई, अगर मैं फर्स्ट बैटिंग के साथ में कंपेरिजन करके चलूंगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका की टीम्स है उनमें मेरे अकॉर्डिंग जो फेवरेट टीम हो सकती है वो इस मैच में कहने के ऑस्ट्रेलिया वुमेन की जो टीम है उसको मैं थोड़ा सा एडवांटेज करके चल सकता हूं साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एवरेज स्कोर की, इस विकेट पे लगभग 120 के आसपास एवरेज स्कोर है। नॉर्मली आपने इन वेन्यूज पे देखा होगा, इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बने, चाहे वो दुबई का वेन्यू हो चाहे वो शारजा का वेन्यू हो। दुबई के वेन्यू पे तो चलो फिर भी थोड़े ठीक ठाक रन बने हैं, बाकी शारजा के वेन्यू पे तो बिल्कुल रन नहीं बने हैं, ठीक है? और ये मैच दुबई के वेन्यू पे, अब कम से कम इस मैच में देखो 130 के आसपास का जो स्कोर है ना वो मेरे अकॉर्डिंग में एवरेज स्कोर मान के चलूंगा, क्योंकि भाई 130 से कम जो भी टीम इस वेन्यू पे स्कोर करेगी ना वो शायद स्कोर को डिफेंड ना कर पाए और चेजिंग जो टीम है वो मैच को विन करके निकल सकते, तो कम से कम 130 आप लोग मान के चलिएगा। हाईएस्ट जो स्कोर है वो लगभग 172 है यहाँ पे, लोवेस्ट जो स्कोर है इस विकेट पे वो सबसे कम है 66 रन का। बाकी दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है तो 130 के आसपास आप लोग एवरेज स्कोर मान के चल सकते हो। ओवरऑल विकेट की बात करें तो अच्छा विकेट है, नॉर्मली जो स्पिन गेंदबाजी रहेगी वो वुमेन के मैच में देखो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करती है एज कम्पेयर टू फास्ट, तो स्पिन पे आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करके चलोगे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी स्कोरिंग पैटर्न की दोस्तों बात करें तो यहां से देख पाओगे 150 से जो कम स्कोर है वो इस वेन्यू पे 12 बार बन चुका है, जबकि 150 से 169 के बीच में 2 बार, 170 से 189 के बीच में 1 बार। लेकिन देखो एक चीज मान के चलो 150 से शायद आपको इस वेन्यू पे कम ही स्कोर देखने को मिलेगा इस मैच में भी, ये ध्यान रखिए, ठीक है? 130 एवरेज स्कोर है, हल्का सा एडवांटेज ऑस्ट्रेलियन वुमेन के फेवर में आप लोग करके अपना टीम सिलेक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेन्यू के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते भाई यहां से बात करते हैं वुमेन्स के जो रिसेंट मैचेस हुए इस वेन्यू पे उनमें कितने स्कोर बने। लास्ट मैच हुआ था इंग्लैंड वुमेन वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में, जहां पर इंग्लैंड वुमेन ने 141 करे, वेस्ट इंडीज वुमेन 144 बना के 4 विकेट पे चेज करके गई। अगर आपने ये मैच देखा होगा ये वही मैच है जिसमें हमने मैच अच्छी अमाउंट विन करी थी, ठीक है? जिसके स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। ये वही मैच है जिसमें चेजिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने लगभग 100 से ऊपर की जो है वो पहली विकेट की पार्टनरशिप करी थी, मतलब उनके विकेट जो 4 गिरे ना वो भी बिल्कुल एंड में जाके गिरे थे, मतलब बैटिंग कंडीशंस तो है, बस कोई टीम यहां पे खराब बल्लेबाजी ना करके जाए। पहली इनिंग की बात करें, एक विकेट फास्ट को मिला था, 5 विकेट वहां पे मिले थे स्पिन गेंदबाजी को। सेकंड इनिंग में एक
फास्ट को 2 मिले स्पिन को, ओवरऑल देखोगे 7 विकेट टोटल मिले स्पिन को और फास्ट को मिले केवल 2 विकेट, मतलब स्पिन थोड़ा डोमिनेट करेगी। सेकंड मैच न्यूजीलैंड 110 करे पाकिस्तान वुमेन ने केवल 56, पाकिस्तान वुमेन वैसे भी थोड़ा प्रेशर में थी इस मैच में क्योंकि उनको भाई कम ओवर के अंदर ये मैच को विन करना था, उसके चलते वो लगातार अपने विकेट थ्रो करते हुए चली गई। ठीक है, पहली इनिंग की बात करें विकेट फास्ट को कोई नहीं मिला, स्पिन को मिले 6, सेकंड इनिंग में 2 फास्ट को मिले 6 मिले स्पिन को, टोटल विकेट देखोगे 12 मिले स्पिन को और यहां पे केवल 2 विकेट मिले थे फास्ट को। मतलब एक बार फिर से जो स्पिन गेंदबाजी है वो थोड़ा सा डोमिनेट करके चली है। मैच नंबर 3 बांग्लादेश वुमेन 106 साउथ अफ्रीका वुमेन 107, 3 विकेट पे, पहली इनिंग में 2 फास्ट को 1 स्पिन को, सेकंड इनिंग में 1 फास्ट को 2 स्पिन को, यहां पे देखोगे टोटल 3 स्पिन को मिले और टोटल 3 ही विकेट मिले यहां पे फास्ट बॉलिंग को। ओवरऑल पिछले 3 मैच के बेस पे भी देखा जाएगा तो जो स्पिन गेंदबाजी है मेनली जो स्पिन गेंदबाजी दोस्तों वो थोड़ा सा डोमिनेट करके यहां पे जरूर से चलेगी, ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, तो स्पिन के फेवर में आप लोग जरूर से जाओगे। उसके बाद में टोटल बात करें पहली इनिंग में 15 विकेट गिरे, सेकंड में गिरे टोटल 14 विकेट, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्पिन जो गेंदबाजी है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर करेगी। पहली इनिंग में 12 स्पिन ने निकाले, 10 निकाले फास्ट ने, ठीक है, ओ सॉरी 10 स्पिन ने निकाले सेकंड इनिंग में, पहली में 12 स्पिन ने निकाले, तो फास्ट के कंपैरिजन में स्पिन जो रहेगी वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके चलेगी। आप लोग थोड़ा सा ये चीज पे फोकस करके चलिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स की। दोनों टीम्स के बीच में 10 मुकाबले हुए, 9 ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स 1 साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने विन करा, मतलब ऑस्ट्रेलिया वुमेन फेवरेट है जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। पिछले 5 मैच की फॉर्म देख लो, ऑस्ट्रेलिया वुमेन अपने पिछले 5 मैच लगातार विन करके आई है, जबकि साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये टीम भी देखोगे 4 मैच विन करके आई है और 5 में से अपना सिर्फ एक ही मैच हारी है। मतलब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो मैच आपको काफी कड़ा टक्कर का मैच देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते दोस्तों यहां से बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की प्लेइंग 11 के साथ में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेस हैरिस के साथ में बेथ मुनी ओपन कर सकती है, टीम एग्राथ रहेंगी भाई, एलिस पेरी रहेंगी, एलिस गार्नर, उसके बाद में फोब लिसफील्ड रहेंगी, नीचे आएंगे नाबेल सरलैंड है, जॉर्जिया वर्म के साथ में सोफी मोलेनिक्स और यहाँ पे मैगन शूट के साथ में आपको दिखेगी भाई डार्सी ब्राउन। ठीक है, चेंज हो सकता है, डार्सी ब्राउन की जगह अदर कोई प्लेयर आ सकते हैं या फिर भैया ग्रेस हैरिस की जगह हो सकता है कि एलिस एली जो कि आपको सीधा सीधा टीम में वापसी करते हुए दिख सकते हैं। और ये जो प्लेइंग 11 आप लोग देख रहे हो ना, ये प्लेइंग 11 है दोस्तों लास्ट मैच के बेस पे। ठीक है, अब इस मैच में चेंजेस हो सकते हैं, बाकी बेंच के ऊपर इनके कौन से प्लेयर रहेंगे, बेंच के ऊपर दिखेंगे एलिस एली जो कि शायद इस मैच में आपको ओपन करते हुए दिखे ग्रेस हैरिस की जगह पे, अगर टोटली ये फिट होंगे तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में किंग के चांस मुझे लगते नहीं है, हितर ग्राम के चांस नहीं लगते, किम गार्थ अगर खेलती है डेफिनेटली एक बढ़िया प्लेयर और अर्ली अच्छा स्विंग करती है तो विकेट टेकिंग गेंदबाज हो सकती है, ये इनके दिखेंगे दोस्तों आपको डेथ हो सॉरी यहां से अगर मैं बात करूं बेंच के प्लेयर जिनमें चेंज हो सकता है एलिस एली जो कि सीधा सीधा ओपन करना इस मैच में आ सकते हैं ग्रेस हैरिस की जगह पे, बस आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टैट्स की बात करते भाई, सबसे पहले ग्रेस हैरिस के साथ में स्टार्ट करेंगे, वेन्यू के ऊपर सॉरी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल में 9 विकेट है, 22 का एवरेज है, 514 रन है, हेड टू हेड में 53 का एवरेज है, वेन्यू के ऊपर कोई स्टैट्स नहीं है। पिछले अगर मैं रिसेंट मैच की बात करूं तो एक मैच में 47, एक मैच में 40, ठीक है, सिर्फ 2 मैच में बढ़िया पारी है, बाकी कुछ खास है नहीं। बट एक चीज मेंशन करना चाहूंगा यहां पे मैं, ग्रेस हैरिस देखो काफी अच्छी प्लेयर है, ठीक है, इवन आप लोग इनको एज ए ट्रंप प्लेयर चाहो तो अपनी टीम में बैक करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तगड़ी हार्ड हिटर प्लेयर है और अगर एक बार विकेट पे ऊपर रुकी ना डेफिनेटली आपका पूरा गेम चेंज करके रख सकते हो, तो थोड़ा सा फोकस करना एज ए ट्रंप प्लेयर आप लोग हैरिस पे जा सकते हो। ठीक है, मुन्नी की बात करें जो कि सेफ ऑप्शन है, स्टार मार के चलो सीधा सीधा आपकी टीम में आ जाएगी, बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। मुन्नी की बात करें 39 का एवरेज है टी20 इंटरनेशनल पे, हेड टू हेड में 72 का एवरेज है जो कि मायने रखेगा साउथ अफ्रीका वुमेन के सामने, मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन बन सकती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। वेन्यू के ऊपर केवल 15 का, लेकिन मैच भी सिर्फ एक खेला, मतलब वेन्यू और हेड टू हेड में अच्छे आंकड़े आप लोग कहकर चल सकते हो। यहां से बात करें एक मैच में 40, एक में 43, 2 मैच में अच्छी पारी है, ठीक है, बिल्कुल कॉमन पिक है, स्टार मार के चलो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की ट्रम्प कार्ड ऑप्शन में आप लोग इस मैच में ट्राई करके इनको जरूर से चल पाओगे। उसके बाद में बात करते दोस्तों आगे, यहां से बात करेंगे भाई टीम एग्राथ। देखो टीम एग्राथ के बारे में मैंने आपको लास्ट मैच की वीडियो में भी बोला कि भाई जब जब ये प्लेयर ऊपर बल्लेबाजी करेगी आपके लिए ट्रंप कार्ड ऑप्शन बन के जाएगी, ध्यान रखिए इस मैच में फिर से ट्रंप में ट्राई कर सकते हो अगर अगेन ऊपर बल्लेबाजी करने आती है, क्योंकि लास्ट मैच में नंबर 3 पे आई थी, तो नंबर 3 पे अगर इस मैच में भी आती है तो डेन आपके लिए एक बढ़िया डिफरेंशियल चॉइस हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें 40 का एवरेज है, 18 विकेट है, हेड टू हेड में 30 का एवरेज है, 2 विकेट है, वेन्यू के ऊपर कुछ खास आंकड़े है नहीं, रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच 32 रन की बढ़िया पारी क्योंकि ऊपर बल्लेबाजी करने आई थी, अगर फिर से ऊपर करने आएगी स्टार मार के चलना आपके लिए ट्रंप कार्ड ऑप्शन बहुत बढ़िया हो सकती है। उसके बाद में नीचे आएंगे एलिस पेरी, पहले बल्लेबाजी में मोस्ट इंपोर्टेंट, लास्ट मैच टीम ने काफी नीचे बल्लेबाजी करवाई थी, अब एलिस पेरी अगर ऊपर बल्लेबाजी में आएंगी तो टीम एग्राज जैसे जो प्लेयर है वो थोड़ा सा बल्लेबाजी में नीचे जा सकती है, बाकी फाइनली जब लाइनअप्स निकल के आ जाएंगी तब मैं आपको सारी चीजें कवर कर दूंगा टेलीग्राम पे कि कौन सा प्लेयर आपको किस पोजीशन बल्लेबाजी दे सकता है। ठीक है, अभी के लिए एलिस पेरी के ऊपर स्टार मार के चलो जो कि एक सेफ प्लेयर का आपको जो है विकल्प रहेगी। 126 विकेट है, 31 का एवरेज है, हेड टू हेड में 16 का एवरेज है जो कि उतना
उतना कुछ खास है नहीं एक्चुअल में, 7 विकेट इनके नाम है, बट यहाँ गेंदबाजी है उतना नहीं करने वाली, ध्यान रखिएगा। वेन्यू के ऊपर केवल 22 रन है, एक ही मैच में बल्लेबाजी का मौका मिला था। रिसेंट फॉर्म में देखोगे 32 रन करे, 22 करे, 30 करे, 17 और 36, 5 मैच से ऑलमोस्ट कह सकते हो 4 मैच में अच्छे रन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो एलिस पेरी, बेथ मुनी, दो प्लेयर मैंने आपको बता दिया जो कि आपके लिए आज के मैच की टोटल सेफ ऑप्शन इस मैच की होने वाली है। उसके बाद में बात करें भाई, पांचवी प्लेयर जो रहेंगे एलिस गार्नर, 78 विकेट है, हेड टू हेड में 5 विकेट है, 31 का एवरेज है, वेन्यू के ऊपर 4 विकेट है, 79 रन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चॉइस है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी डिजर्व करके चलेगी, छोड़ के नहीं चलोगे। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जगह पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप लोग इनको कर सकते हो। उसके बाद में बात करें फोब लिचफील्ड की, वुमेन्स टी ट्वेंटी 38 का एवरेज है, हेड टू हेड में केवल 3 का एवरेज है, वेन्यू के ऊपर कुछ खास आंकड़े हैं नहीं क्योंकि बल्लेबाजी काफी नीचे मिल रही है, तो उस वजह से मैं फिलहाल फोब लिचफील्ड को आपको टीम में प्रेफर नहीं करने वाला, ठीक है। बट आपके लिए गार्नर बिल्कुल कॉमन है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बेस्ट ऑप्शन है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस पे आप लोग यहां पे लेके चल सकते हो। किसको भाई? एलिस गार्डनर को, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे चलते दोस्तों, यहां से बात करते हैं भाई जॉर्जिया वर्नम, जो कि गेम चेंजर प्लेयर है, गेंदबाजी के साथ में पूरे 4 ओवर डालेगी, विकेट टेकिंग गेंदबाज है और इस सीजन अच्छी फॉर्म दिखाई है। अगर बात करें दोस्तों वुमेन्स टी ट्वेंटी, 63 विकेट है, 245 रन है, हेड टू हेड में 4 विकेट है, 8 रन है, वेन्यू के ऊपर 2 विकेट है, ठीक है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट यहां पे पूरे 4 ओवर, 4 ओवर में 1 विकेट यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे 1 विकेट फिर से, और यहां पे देखोगे फिर से 2 विकेट, मतलब पिछले 5 में से 4 मैच में लगातार विकेट है। ट्रम्प कार्ड ऑप्शन आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बन के जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेबल सरलैंड बढ़िया फॉर्म में है फिलहाल, और जब जब पूरे 4 ओवर कर रही है भाई, विकेट टेकिंग गेंदबाज बन के जा रही है। तो ये दोनों प्लेयर जो रहेंगे आपके लिए टोटल सेफ ऑप्शंस होने वाली है, ठीक है। वुमेन्स टी ट्वेंटी 27 विकेट है, हेड टू हेड में 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, यहां पर विकेट नहीं है, यहां पे 2 विकेट, मतलब 4 मैच में टोटल 5 में से पिछले 2 मैच अच्छे विकेट निकाल के लेके आई है, तो थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, ठीक है। जॉर्जिया वर्नम और यहां पर नेबल सरलैंड दोनों आपके लिए कॉमन पिक्स बनेगी भाई, जिनके साथ में जाओगे। और यहां पर जॉर्जिया वर्नम या आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का भी एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं भाई, यहां से बात करते हैं सोफी मोलेनिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट प्लेयर है बिकॉज दोस्तों पूरे 4 ओवर गेंदबाजी कर रही है। अगर बात करें 1 विकेट हेड टू हेड में, वेन्यू के ऊपर 1 विकेट है, लास्ट मैच 2 विकेट थे, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, मतलब पिछले 5 मैच में लगातार हर मैच में विकेट है। टू इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, स्टार मार के चलना, ठीक है। मैगन शूट जो कि पहले गेंदबाजी अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स करेगी, इवन ये फिर आपको कहीं ना कहीं देखो डेथ ओवर में गेंदबाजी डाल के देंगे, और जब जब ये डेथ में गेंदबाजी करेगी विकेट टेकिंग गेंदबाज बन के जा सकते, तो थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। टोटल 145 विकेट है, 7 मैच में 6 विकेट है हेड टू हेड में, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट है, पिछले 5 मैच में देखोगे तो 4 मैच में लगातार विकेट्स इनके भी नाम है, मतलब फॉर्म इनकी रिसेंट जो है वो काफी बढ़िया हमें देखने को ऑलरेडी मिल पा रही है। उसके बाद में आगे चलते भाई, यहां से अगर बात करें इनके बेंच के प्लेयर्स की, ठीक है, जिसमें डार्सी ब्राउन नंबर 11 की प्लेयर रहेंगे, ये 33 मैच 39 विकेट है। अगर आप लोग किसी प्लेयर को एज ए ट्रंप प्लेयर ट्राई करना चाहो ना, तो ही आप लोग यहां से जा सकते हो। किसके साथ में? डार्सी ब्राउन के साथ में। सेफली जाओ तो छोड़ के चल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ट्रंप कार्ड प्लेयर कोई चाहिए, तो आप लोग यहां पे डार्सी ब्राउन के साथ में अजय ट्रंप अपनी टीम में जरूर बैक कर पाओगे। ये थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान रखनी। ये बात हुई दोस्तों साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते एक बार बात करते हैं साउथ अफ्रीकन वुमेन्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं स्टार्टिंग ओवर्स कौन करेगा। उसमें मैगन शूट आपको दिखेगी, एलिस गार्नर और नेबल सरलैंड, जो कि हो सकते हैं इनकी डेथ ओवर की गेंदबाज, स्टार्टिंग के ओवर। और डेथ ओवर की बात करूं, नेबल सरलैंड, सोफी मोलेनिक्स और एलिस गार्नर। एलिस गार्नर मेनली मान के चलो 1 से 2 ओवर आपको कंफर्म ऑलमोस्ट डाल के देंगी। अगर मैं डेथ की बात करूं और 1 से 2 ओवर कंफर्म मान के चलो आप लोग यहां पे नेबल सरलैंड के। हो सकता है मोलेनिक्स शायद डेथ में गेंदबाजी ना भी करे, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के चलेगा। यहां पे नाम ऐड कर सकते हो आप लोग मैगन शूट का डेथ के अंदर स्पेशली, ये थोड़ा सा चीज आपको संभल के ट्राई करनी है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, बात करते हैं भाई बेंच के प्लेयर्स की। बेंच के प्लेयर्स में आप लोग अपने हिसाब से देख लो, एलाना किंग खेले तो ट्राई कर सकते हो, एली सेली डायरेक्ट टीम में आ जाएगी, ध्यान रखिएगा अगर खेलती इस मैच में, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी करेगी, छोड़ने का मतलब नहीं बनता। हेड टू हेड में केवल 16 का एवरेज है, वेन्यू के ऊपर 37 रन है, पिछले 5 मैच में 2 मैच में ठीक ठाक रन है, बाकी उतना कुछ खास फॉर्म इनकी है नहीं। उसके बाद में आगे वाले जो प्लेयर है उनमें बात करें तो किम गार्थ गेम चेंजिंग प्लेयर, अगर टीम मौका देती है, बट मौका मुझे लगता नहीं इनको मिलेगा, अगर मिलता है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। डिफरेंशियली 47 विकेट है, 10 विकेट है हेड टू हेड में, वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस है नहीं। उसके बाद में हितर ग्राम के चांस नहीं लगते, जहां से हेड टू हेड में एक ही मैच है, कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, फिलहाल छोड़ के चल दो, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम की। इनकी अगर बात करेंगे तो यहां से आप लोग क्लियरली देख पाओगे, सबसे पहले भाई लोरा वोल्वेडोट ओपन करेगी तेजमिन ब्रिट्स के साथ में, दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट अगर साउथ अफ्रीका को अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। ये जो दोनों ओपनर आप लोग देख रहे हो ना, इनका चलना मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। मारिजन कैप तीसरी प्लेयर भाई साहब, छोड़ना मत, 4 ओवर गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी प्रॉपर आपको मिलेगी। एनेक बोस ये बरसाती मेंढक कह सकते हो, कभी कभी चलेगी। उसके बाद में शून लूस रहेगी, कोलिन ट्राइन है, यहां से एंडी क्लर्के के साथ में ड्रैक्सन है भाई, जैफ्ता रहेंगी,
खाका के साथ में आपको मुलाबा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ आपको साउथ अफ्रीका वुमेन्स की टीम देखने को मिल सकती है। इनकी अगर मैं बेंच प्लेयर्स की बात करूंगा, उनमें नाम देखेगा मैम डी रेडरिका, उसके बाद में नायडू रहेंगी, यहाँ से हलूबी रहेंगे और यहाँ पे टी स्कून है। ये इनकी हो सकती है बेंच की प्लेयर। इनमें से मुझे लगता नहीं कि किसी प्लेयर की भाई टीम में आपको जगह बनती हुई दिख सकती है। जो आपको प्लेइंग 11 दिखाई शायद वही प्लेयर आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे इस मैच में भी। आगे चलते हैं, एक बार इनके प्लेयर के स्टैट्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले लोरा वोल्वेडोट के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। वुमेन्स टी ट्वेंटी में 36 का एवरेज है, हेड टू हेड में देखोगे 52 का एवरेज है, जो कि काफी बढ़िया। ठीक है, 52 का एवरेज मायने रखता है भाई ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स जैसी टीम के सामने, मतलब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लायक आपको प्लेयर मिल जाएगी। उसके बाद में वेन्यू के ऊपर 53 का एवरेज है, दोनों जगह आंकड़े जबरदस्त आपको दिख रहे होंगे। 40 रन की एक पारी, 42 करे, 59 करे, 45 करे, मतलब हर जगह आपको लोरा वोल्वेडोट भाई क्वालिटी परफॉर्मेंस करती दिख रही है, चाहे वो हेड टू हेड की बात हो, चाहे वो वेन्यू के ऊपर बात हो, चाहे बात हो रिसेंट फॉर्म की, हर जगह ये प्लेयर बिल्कुल सेट बैठ रही है, मतलब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बढ़िया चॉइस है। उसके बाद में बात करें तेजमिन ब्रिट से, वुमेन्स टी ट्वेंटी में देखोगे 61 मैच में 32 का एवरेज है, हेड टू हेड में 38 का और वेन्यू के ऊपर 71 का एवरेज है। क्यों ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है शायद इनके आंकड़े देख के भी आप लोग समझ पाओगे। 42 करे, 43 करे, 57 करे, पिछले 5 मैच में से 3 मैच में जबरदस्त पारिया। दोनों प्लेयर साउथ अफ्रीका वुमेन्स की रीढ़ की हड्डी होने वाली है। अगर साउथ अफ्रीका वुमेन को अच्छी परफॉर्मेंस करनी है या मैच को विन करना है भाई, ये जो दो प्लेयर आप लोग देख रहे हो ना, इनका चलना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बनने वाला है, और दोनों प्लेयर आपकी टीम में आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 के प्लेयर जो रहेंगे भाई यहाँ से, एनेक बोस, किसी मैच में चलेगी किसी में नहीं चलेगी। ट्रम्प कार्ड में अगर बड़ा रिस्क उठा सकते हो तो ही ट्राई करिए, अदरवाइज छोड़ के चल सकते हो, उतना कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 8 विकेट है, 11 का एवरेज है, हेड टू हेड में 18 का एवरेज है, वेन्यू पे मुझे उतनी एक्सपेक्टेशंस है नहीं, मैं फिलहाल ड्रॉप करके चलूंगा। मारिजन कैप बिल्कुल सेफ है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की टॉप की पिक इस मैच की बनेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेड टू हेड में देखोगे 20 का एवरेज है, 7 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 56 का एवरेज है, 3 विकेट इनके नाम है, जबरदस्त प्लेयर है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी स्टार मार के चलिएगा, छोड़ने का मतलब नहीं बनता। लास्ट मैच 13 रन 1 विकेट था, 43+0, 26+1 और 4 ओवर में 2 विकेट। ठीक है, ये इनके रिसेंट फॉर्म आप लोग देख पाओगे, इंपॉर्टेंट चॉइस है। सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, यहां से आपको मिल रही है सबसे पहले लोरा वोल्वेडोट, उसके बाद में टेंजमिन ब्रिट्स आपको मिलेगी, तीसरे मिलेगी भाई मारिजन कैप। ये जो तीन प्लेयर आपको बताई है तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी साउथ अफ्रीका वुमेन्स की साइड से। आगे चलते हैं नंबर 5 के प्लेयर जो रहेगी श्यून लूस। अगर आप लोग किसी प्लेयर को एज ए ट्रंप प्लेयर अपनी टीम में आज के मैच में ट्राई करो, उसमें स्टार मार के चलना किसके ऊपर भाई, यहां पे श्यून लूस के ऊपर। ठीक है, ये प्लेयर आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर हो सकती है इस मैच की। अगर बात करें हेड टू हेड, 12 का एवरेज है, वेन्यू के ऊपर केवल 18 रन से, 3 मैच में 1 विकेट इनके नाम है, गेंदबाजी कर सकती है बट शायद पूरे 4 ओवर ना भी डाले, हो सकता है बीच में 1-2 ओवर डालने आ जाए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है अगर उसमें इनको विकेट मिल जाए और अगर आप लोग इनको टीम में बैक करके चल रहे हो। उसके बाद में कोले ट्राइन की बात करें, हेड टू हेड 3 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 विकेट है, 16 का एवरेज है, 12 का एवरेज हेड टू हेड में। देखो ट्राइन एक ऐसी प्लेयर है जो आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पे अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, तो आप लोग अपनी टीम में एज ए ट्रंप अभी भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल इनका सिलेक्शन देखोगे तो अभी भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, तो कोलिन ट्राइन पे थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा अगर आप लोग किसी प्लेयर को एज ए ट्रंप प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करना चाहो। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों यहां से भाई अन्य डायरेक्शन के बारे में, फिलहाल तो मैं ड्रॉप करने को बोलूंगा आपको, मैं पिक करने को नहीं बोलूंगा, चॉइस आपकी है। नैंडी क्लेयर के फिलहाल देखो अगर आपको बड़ा रिस्क ना अपनी टीम में, ठीक है, तो ही आप लोग यहां पे एंडी क्लेरके पे फोकस कर सकते हो। अगर साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले गेंदबाजी करेगी, एंडी क्लेरके हो सकता है आपको डेथ में 1-2 ओवर करते हुए दिखे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप लोग इन पे थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो टीम में बैक करके। हेड टू हेड में देखो 58 का एवरेज है, 6 मैच में 58 रन से 6 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट है, नॉर्मल परफॉर्मेंस है, उतना कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते भाई नंबर 9 की प्लेयर एस जैफ्ता, फिलहाल छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाका को छोड़ दो, पहले गेंदबाजी करे साउथ अफ्रीका वुमेन, तभी अब इनका खाका के साथ में उतरोगे, अदरवाइज टीम से ड्रॉप कर सकते हो, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बनने वाली। आगे बढ़ते भाई बात करते नंबर 11 के प्लेयर रहेंगे यहाँ पे मलाबा। मलाबा देखो स्पिन गेंदबाजी, पूरे 4 ओवर डालेगी और अब तक विकेट टेकिंग गेंदबाज बनी है, ध्यान रखिएगा 6 मैच में 5 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 8 विकेट है, मतलब इस वेन्यू पे 8 विकेट निकालना किसी प्लेयर की क्वालिटी आपको दिखाएगा। ठीक है, तो मलाबा आपके लिए इस मैच के एक बढ़िया चॉइस है, जिनको आप लोग कह सकते हो कि एज ए सेफ प्लेयर भी आप लोग अपनी टीम में बैक करके चल पाओगे। लास्ट अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट और 1 विकेट, ठीक है, बढ़िया रिसेंट फॉर्म आपको दिखेगी, पूरे 4 ओवर मिल जाएंगे, चाहे पहले गेंदबाजी करे साउथ अफ्रीका वुमेन, चाहे करे भाई सेकंड गेंदबाजी, ये प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा टीम में जरूर से आप लोग बैक करके चल सकते हो। तो सभी प्लेयर के बारे में बता दिया, एक बार इनके बेंच के प्लेयर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा इनके स्टार्टिंग और डेथ ओवर के गेंदबाज। सबसे पहले स्टार्टिंग ओवर की बात करें, मारिजन कैप बढ़िया स्विंग गेंदबाज है, अर्ली स्विंग करेंगे, ठीक है, विकेट टेकिंग गेंदबाज हो सकते हैं, बोइंगा खाका नॉर्मल प्लेयर है, उतना विकेट
अटैकिंग गेंदबाज हैनी एंडी क्लेर के, जो कि डेथ में भी आ सकती है, डेथ ओवर गेंदबाज खाका तो डेफिनेटली रहेंगी। एंडी क्लेर के बारे में मैंने आपको मेंशन कर दिया जब उनके स्टैट्स बताए थे कि भाई डी क्लेर के डेथ में गेंदबाजी कर सकती है 1-2 ओवर। अगर आप लोग रिस्क उठाओ तो साउथ अफ्रीका पहले गेंदबाजी करे तो ही टीम में ट्राई करो, अदरवाइज आप लोग छोड़ के चल सकते हो, ठीक है। मलाबा मुश्किल से एक ओवर डालेगी अगर डेथ में डालेगी तब भी, बाकी मारिजन कैप और यहां से एंडी क्लेर के ये हो सकती है, खाका भी एक ओवर डाल सकती है, मलाबा एक डाल सकते हो और एंडी क्लेर के 1-2 ओवर कर सकती है डेथ ओवर में जाके, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, बात करते हैं दोस्तों यहां से सीधा सीधा एक बार इनकी बेंच की प्लेस के बारे में, ठीक है। इनके ऊपर बेंच में कौन सी प्लेस आपको दिखेंगी, सबसे पहले रेडर दिखेंगे, फिलहाल छोड़ दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हलू भी छोड़ दो उतना कुछ खास इनका रोल बनने वाला है नहीं। यहां से अगर मैं आगे बढ़ू दोस्तों तो यहां से देखोगे तो टी स्कोने जो कि ठीक ठाक गेंदबाजी कर सकती है अगर टीम खिलाए तो आप लोग ट्राई करना, नायडू फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनकी बेंच में भी मुझे उतना कुछ खास इंप्रेसिव प्लेयर्स देखने को नहीं मिल पा रही है। आगे बढ़ते भाई बात करते अपनी फाइनल टीम की, अभी आप लोग जो स्क्रीन पर टीम देख रहे हो ये मेरी फाइनल टीम रहेगी इस मैच की फिलहाल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टॉस मैं चेंज कर सकता हूं, बट अभी जो मेरी टीम है बैथ मुन्नी मेरे पास में रहेंगे, एलिस पेरिया, लोरा वोल्वेडोट रहेंगे, टी ब्रिट्स है, ठीक है, मारिजन कैप, एलिस गार्डनर, एनाबल स्टर्लैंड, जॉर्जिया वर्रम, मैगन शूट रहेगी, सोफी मोलिनिक्स और एन मलाबा, ठीक है। ये मेरी 11 प्लेयर की टीम है, चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। क्या चेंज करोगे, यहां से कोले ट्राइन को बैक कर सकते हो अपनी टीम में ऑलराउंडर सेक्शन में, एंडी क्लेर के आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है, एलिस एली खेले तो उनके साथ में बैक करके चल सकते हो, बाकी अभी आपके पास में 2 प्लेयर और बचेगी जो कि टोटल आपके लिए गेम चेंजिंग पिक बन सकते हैं, उनमें नाम आएगा सबसे पहले तो मैगराथ का, दूसरा नाम आएगा ग्रेस हैरिस का, ठीक है। दो ऐसी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की प्लेयर अगर ऊपर बल्लेबाजी करने उतरती है लास्ट मैच की तरह तो टोटल आपके लिए गेम चेंजिंग प्लेयर बनेगी। दो प्लेयर का नाम मेंशन कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी टीम सिलेक्शन करोगे, ठीक है। ये मेरी 11 प्लेयर की टीम है, कैप मेरी कैप्टन रहेगी, गार्डनर मेरी वाइस कैप्टन, चेंज कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले गेंदबाजी करने आई तो गार्डनर को कैप्टन करके वाइस कैप्टन से आप लोग यहाँ पे मारिजन कैप पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ट्रम्प कार्ड ऑप्शंस की बात करो तो स्टर्लैंड आपके लिए बढ़िया ट्रम्प कार्ड ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, जॉर्जिया वर्रम को ट्राई कर सकते हो, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे वोल्वेडोट के साथ जा सकते हो या फिर जा सकते हो बैथ मुन्नी के साथ। ये जो 4 प्लेयर है ये आपके लिए इस मैच के ट्रम्प कार्ड ऑप्शंस होंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, थोड़ा सा ध्यान रख के चलेगा। बाकी ये मेरी डेमो टीम है, फाइनल जो टीम रहेगी दोस्तों आपको आफ्टर टॉस मिलेगी कहां पे भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ये टेलीग्राम चैनल है जरूर से देख लेना एक बारी, इसी के साथ में आपको ज्वाइन करना, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे वहां पे भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पे भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम के साथ में आपको ज्वाइन जरूर से करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, भाई पसंद आया हो वीडियो में बताइए इन्फॉर्मेशन, अगर स्टेट्स आपको अच्छे लगे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर से बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।